ह्यूस्टन में 50,000 से ज्यादा भारतीयों की मौजूदगी और अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने बिना नाम लिए पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर हमला बोला। आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर से 370 हटाए जाने से कुछ ऐसे लोग भी परेशान हैं जिनसे खुद अपना देश संभाला नहीं जाता है। भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है। जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। इन लोगों ने भारत के प्रति नफरत को ही अपनी राजनीति का केंद्र बना दिया है। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। उनकी पहचान सिर्फ आप नहीं पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं। साथियों, अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। मैं यहां पर जोर देकर कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी मजबूती के साथ आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं। एक बार आतंक के खिलाफ लड़ने का राष्ट्रपति ट्रंप का जो मनोबल है, हम सब मिलकर के उनको भी स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में दुनिया के दो सबसे बड़े नेता एक मंच पर दिखाई दिए। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मंच साझा किया, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ह्यूस्टन के एनर्जी स्टेडियम पहुंचे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया और दोनों नेता एक साथ मंच की ओर बढ़े। इस बीच ढोल और नगाड़े बज रहे थे। इसके बाद दोनों नेता हाथ पकड़े एक साथ मंच पर चढ़े और वहां मौजूद 50,000 से ज्यादा लोगों का अभिवादन किया। लोगों ने भी पीएम मोदी के समर्थन में जमकर नारे लगाए। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप भी तालियों से पीएम का स्वागत कर रहे थे। पीएम ने भी एक बार फिर ट्रंप का स्वागत किया और उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा नेता बताया। His name is familiar to every person on the planet. वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अमेरिका के सबसे बड़े दोस्तों में एक बताया। I am so thrilled to be here in the great state of Texas with one of America's greatest, most devoted and most loyal friends, Prime Minister Modi. ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिका का कोई राष्ट्रपति भारत के किसी पीएम के साथ इस तरह के कार्यक्रम में मौजूद थे। और माना यह जा रहा है कि हाउडी मोदी कार्यक्रम में ट्रंप के शामिल होने का असर अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की तादाद करीब 45 लाख है।
जो 2020 में होने वाले चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह है कि इस कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों को लुभाने की पूरी कोशिश की। We are going to take care of our Indian American citizens. ट्रंप के इस दावे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 2020 में उनके दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की उम्मीद जताई। अब की बार ट्रंप सरकार। पीएम की इस बात का स्टेडियम में बैठे हजारों भारतीयों ने भी समर्थन किया। अमेरिका के ह्यूस्टन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ही पीएम मोदी ने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 हटाने का फैसला पिछले 70 साल से रुका हुआ था और आर्टिकल 370 हटाकर भारत ने कश्मीर के लोगों को दूसरे भारतीयों के समान बराबर का हक दिया। ट्रंप के सामने 370 हटाने का जिक्र कर पीएम मोदी ने फिर दुनिया को संदेश दिया कि कश्मीर से 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला था और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। आप समझ गए, ये विषय है आर्टिकल 370 का। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए हैं। वहां की महिलाओं, बच्चों, दलितों के साथ हो रहा भेदभाव खत्म हो गया है। साथियों, हमारी पार्लियामेंट के अपर हाउस, लोअर हाउस दोनों में घंटों तक इस पर चर्चा हुई, जिसका देश और दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हुआ। भारत में हमारी पार्टी के पास अपर हाउस यानी राज्यसभा में बहुमत नहीं है। बावजूद इसके हमारी पार्लियामेंट के अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों ने इससे जुड़े फैसलों को दो तिहाई बहुमत से पास किया है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं हिंदुस्तान के सभी सांसदों के लिए स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए। ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम के जरिए भारत और अमेरिका ने आतंकवाद के मुद्दे पर तीखा हमला बोला। राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे कड़े शब्दों में चेतावनी दी।
और दुनिया को इस्लामिक आतंकवाद से बचाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। We stand proudly in defense of liberty and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुनिया से आतंकवाद को खत्म करने के लिए मिलकर लड़ने की अपील की। अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। अपने भाषण के समय पीएम ने अमेरिका की 9/11 और मुंबई में 26/11 हमलों का भी जिक्र किया। हाउडी मोदी कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे कड़े शब्दों में चेतावनी दी। ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद से लोगों को बचाने की भी बात कही। ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका को अपनी सीमाओं की सुरक्षा का हक है। We stand proudly in defense of liberty and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. Thank you. Both India and the United States also understand that to keep our community safe, we must protect our borders. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी ने ह्यूस्टन में पहली बार मंच साझा किया। इस बीच खास बात यह रही कि पहली बार अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने अपने आधिकारिक पोडियम का इस्तेमाल नहीं किया। ट्रंप ने भारत और अमेरिका दोनों देशों के झंडे लगा पोडियम इस्तेमाल किया। माना जा रहा है कि इसके जरिए ट्रंप ने संदेश दिया है कि वो भारतीयों को बहुत अधिक महत्व देते हैं। ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में हजारों भारत मंचियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि अब भारत में भ्रष्टाचार पुरानी बात हो गई है, क्योंकि अब भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी गई है जो कारगर साबित हो रही है। हम करप्शन को भी चैलेंज कर रहे हैं, उसे हर स्तर पर फेयरवेल देने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। बीते 2-3 साल में भारत ने 3.5 लाख यानी 350,000 से ज्यादा संदिग्ध कंपनियों को भी फेयरवेल दे दिया है। हमने 8 करोड़ यानी 80 मिलियन से ज्यादा ऐसे फेक नेम्स को भी फेयरवेल दे दिया है जो सिर्फ कागजों पर थे और सरकारी सेवाओं का फायदा उठा रहे थे। और साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, इन फर्जी नामों को हटाकर कितने रुपये गलत हाथों में जाने से बचाए गए हैं। करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये यानी तकरीबन 20 बिलियन यूएस डॉलर्स एक देश में, हम देश में एक ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम बना रहे हैं ताकि विकास का लाभ हर भारतीय तक पहुंचे। 50,000 लोगों से खचाखच भरे ह्यूस्टन के एनर्जी स्टेडियम में पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत बदल रहा है, न्यू इंडिया का सपना साकार हो रहा है, क्योंकि आज भारत और हर भारतीय का एक ही मंत्र है, विकास। आज भारत का सबसे चर्चित शब्द है विकास। आज भारत का सबसे बड़ा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। आज भारत की सबसे बड़ी नीति है जन भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन। आज
भारत का सबसे प्रचलित नारा है संकल्प से सिद्धि, और आज भारत का सबसे बड़ा संकल्प है न्यू इंडिया। भारत आज न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहा है, और इसमें सबसे खास बात है कि हम किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद अपने आप से मुकाबला कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ह्यूस्टन में न सिर्फ अमेरिकी भारतीयों को बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी एक तरह से संदेश दिया कि अब भारत में चुनौतियों से लड़ने की शक्ति है। पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में बताया कि भारत अब चुनौतियों से टकराने को ही अपना लक्ष्य बनाता है। वो जो मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। साथियों, भारत आज चुनौतियों को टाल नहीं रहा, हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। भारत आज थोड़े बहुत इंक्रीमेंटल चेंज पर नहीं, समस्याओं के पूर्ण समाधान पर जोर दे रहा है। असंभव सी लगने वाली तमाम बातों को भारत आज संभव करके दिखा रहा है। ह्यूस्टन में पीएम नरेंद्र मोदी ने हाउडी मोदी का मतलब बताया और इसे हिंदी समेत देश की कई भाषाओं में भी समझाया, जिसे सुनकर ट्रंप के साथ मौजूद दूसरे अमेरिकी राजनयिक भी मुस्कुराने लगे। भारत की कुछ अलग अलग भाषाओं में हमारी लिबरल और डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बहुत बड़ी पहचान है। ये हमारी भाषाएं सदियों से हमारे देश में सैकड़ों बोलियां सह अस्तित्व की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, और आज भी करोड़ों लोगों की मातृभाषा बनी हुई है। और इसलिए जब आपने पूछा है हाउडी मोदी, तो मेरा तो मन कहता है उसका जवाब यही है, भारत में सब अच्छा है। बदाज मजामा छे, अंता बागुंदी, एल्ला चिन्ना गिरे, सौकियम, सर्वच्छान चल आए। सब खूब भालो, सबू भल्ला अच्छी।
अमेरिका के ह्यूस्टन में मोदी के जोरदार नारों के बीच पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत का अगला लक्ष्य $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर में आर्थिक मुश्किलों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लगातार विकास कर रही है। साथियों, अब भारत ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए कमर कसी है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। हम पीपल फ्रेंडली, डेवलपमेंट फ्रेंडली और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100,00,000 करोड़ रुपए, करीब 1.3 ट्रिलियन खर्च करने वाले हैं। साथियों, बीते 5 वर्षों में दुनिया में तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद भी भारत की ग्रोथ रेट एवरेज 7.5% रही है। और ये भी ध्यान रखिए, पहले की किसी सरकार के पूरे कार्यकाल का एवरेज देखें तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। पहली बार एक साथ लो इन्फ्लेशन, लो फिस्कल डेफिसिट और हाई ग्रोथ का दौर आया है। अमेरिका के साथ बेहतरीन रिश्तों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की नई इबारत लिखी जा रही है। आज इस मंच से जो संदेश निकला है उसकी छाप 21वीं सदी में नई परिभाषाओं को जन्म देगी, नई संभावनाओं को जन्म देगी। हमारे पास समान लोकतांत्रिक मूल्यों की शक्ति है। दोनों देशों में नव निर्माण के समान संकल्प है और दोनों का साथ हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर जरूर ले जाएगा। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं चाहूंगा कि आप सब परिवार भारत आए, हम अपना और आप हमें अपना स्वागत करने का अवसर दें। हम दोनों की ये दोस्ती भारत अमेरिका के शेयर्ड ड्रीम्स और वाइब्रेंट फ्यूचर्स को नई ऊंचाई देगी। मैं राष्ट्रपति ट्रंप का अमेरिका की राजनीति, सामाजिक और बिजनेस से जुड़े तमाम लीडर्स को यहां आने के लिए फिर से एक बार हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ह्यूस्टन में पीएम मोदी ने गांधी म्यूजियम के निर्माण की आधारशिला रखी। इसके साथ ही उन्होंने गुजराती समाज के ह्यूस्टन इवेंट सेंटर और श्री सिद्धि विनायक मंदिर की पटशिला का लोकार्पण भी किया। उन्होंने जल्द ही ह्यूस्टन में सिद्धि विनायक मंदिर बनने पर खुशी जाहिर की और लोगों का आभार भी जताया। मुझे यहाँ पर विघ्नहर्ता गणेश जी के भव्य मंदिर के स्थापन की दिशा में भी कुछ पुण्य कमाने का अवसर मिल गया। और जहां भी विघ्नहर्ता होते हैं फिर वहां निश्चिंतता के साथ निर्णय करने की ताकत बढ़ जाती है। मुझे विश्वास है कि अब आपके आसपास इस विघ्नहर्ता का होना भी आपके उज्जवल भविष्य के लिए, सुगम भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा और ताकत का कारण बनेगा।
बड़ी खबर पंजाब से, जहां तरनतारन में हुई धमाके की जांच अब एनआईए करेगी। पंजाब सरकार की मांग पर यह जांच अब एनआईए को सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक धमाका करने की साजिश कर रहे लोगों के निशाने पर धार्मिक डेरे थे और इसके पीछे पाकिस्तान में बैठा उस्मान नाम का एक शख्स है, जिसने खालिस्तान के नाम पर युवाओं को भड़काकर साजिश रची। तरनतारन में ये धमाका 4 सितंबर को हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो 4 सितंबर को हुए धमाके में 2 लोगों की मौत हुई थी। अब आपको बता दें कि इस धमाके की जांच एनआईए करेगी। दरअसल जो जानकारियां सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं और बताया जा रहा है कि धमाका करने की साजिश कर रहे लोगों के निशाने पर धार्मिक डेरे थे। इसके पीछे पाकिस्तान में बैठा उस्मान नाम का एक शख्स है, जिसने खालिस्तान के नाम पर युवाओं को भड़काकर साजिश रची थी। तरनतारन में ये धमाका 4 सितंबर को हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी। अब इस मामले की जांच एनआईए करेगी। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तरनतारन में हुए धमाके की जांच अब एनआईए करेगी। पंजाब सरकार की मांग पर यह जांच एनआईए को सौंपी गई है। मोहित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मोहित, एनआईए की जांच से मामले में तेजी आएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, तेजी भी आएगी और साथ ही इस पूरे मामले के अंदर जो सरहद पार की यानी पाकिस्तान से कनेक्शन जुड़ रहे हैं उसकी जांच करने के लिए एनआईए को ये मामला देना काफी जरूरी था। इसी वजह से पंजाब पुलिस ने जैसे ही शुरुआती जांच में सारी जानकारियां पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को दी तो उन्होंने एनआईए के पास ये केस ट्रांसफर करने के लिए केंद्र सरकार को लिख दिया था। फिलहाल हमारे पास ये जानकारी आ रही है कि उस्मान नाम का एक पाकिस्तानी आतंकी है, जो कि पाकिस्तान में बैठकर जो सिख युवक हैं पंजाब के, उनको बरगला रहा था खालिस्तान के नाम पर और उनको ये कह रहा था कि वो कश्मीरी जिहादियों के साथ मिलकर पंजाब और आसपास के जो राज्य हैं वहां पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दें। इसी वजह से जमीन में दबाकर ये लोग विस्फोटक रख रहे थे और बम भी वहां पर बनाने की कोशिश कर रहे थे, जब 4 सितंबर को एक जोरदार धमाका हुआ था और जिसके बाद जब पुलिस को ये धमाका संदिग्ध लगा, पूरे मामले की जांच की गई तो तमाम ये बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान का और ISI का कनेक्शन इस तरनतारन में हुए संदिग्ध ब्लास्ट के मामले में है। बिल्कुल मोहित, शुक्रिया आपका। शारदा चिटफंड घोटाले के मामले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के आईपीएस अधिकारी और कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की तलाश तेज कर दी है। ममता बनर्जी के करीबी अधिकारी राजीव कुमार पर शारदा घोटाले के सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। कोलकाता की अलीपुर कोर्ट पहले ही राजीव कुमार की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर सीबीआई को गिरफ्तारी की इजाजत दे चुकी है। राजीव कुमार फिलहाल बंगाल की सीआईडी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल है। राजीव कुमार की तलाश में रविवार को सीबीआई की टीमें सीआईडी के दफ्तर के साथ साथ राजीव कुमार के घर भी पहुंची, लेकिन राजीव कुमार नहीं मिले। केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी के वंदे मातरम पर दिए बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया। प्रताप सारंगी ने वंदे मातरम को नहीं मानने वाले लोगों पर विवादास्पद टिप्पणी की, जिसका आम आदमी पार्टी ने कड़ा विरोध करते हुए आरएसएस और बीजेपी को घेरा। भाजपा ही कौन होते हैं ये कहने वाले? 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया उन्होंने आरएसएस के मुख्यालय पे। पीडीपी के साथ उन्होंने अभी सरकार बनाई थी जो अफजल गुरु को शहीद मानती है। वहीं सीपीएम नेता हनान मुल्ला ने भी आरएसएस और बीजेपी को आड़े हाथ लिया। आरएसएस एवरी डे दे आर इशूइंग फतवा, हु आर दे टू इशू फतवा टू द इंडियन सिटीजन। केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने वंदे मातरम न बोलने वालों को देश से निकालने की बात कही थी। वंदे मातरम को नकारते हैं लेकिन अफजल गुरु को मानते हैं, और ऐसा जो लोग कहते हैं उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर अपने बाढ़ प्रभावित संसदीय क्षेत्र बेगूसराय के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। रविवार को गिरिराज सिंह बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर वो अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को राज्य सरकार के सामने नहीं उठाएं तो किससे शिकायत करें। गिरिराज सिंह का आरोप है कि उनके इलाके के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिल रही है। 2 महीना पहले इसी बछवाड़ा में चीफ सेक्रेटरी, प्रभारी मंत्री निश्चित है, दोनों तो डीएम भी होंगे मैं समझता हूँ, ये सब लोगों की बैठक हुई। अगर उस समय हम सारे चीजों का जिस चीज पे चर्चा हुई होगी निश्चित हुई होगी, इन सारे चीजों पर, नाव पर, फॉर्डर चारा पर, दवाई पर, पानी पर, पॉलिथीन पर, चूड़ा पर, तो शायद आज अफरा तफरी नहीं होता। लेकिन लोगों ने सोचा 2016 में आया है, अरे 17 बीत गया, 18 बीत गया, इस बार भी नहीं आएगा। प्रकृति किसी के कब्जे में नहीं है और कहीं न कहीं चूक हुई।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शेयर मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स में 900 से ज्यादा अंकों का उछाल देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दरअसल सेंसेक्स 950 से ज्यादा अंक ऊपर चला गया है, तो शेयर मार्केट उछाल के साथ खुला है, जबरदस्त तेजी है। 900 से ज्यादा अंकों की उछाल सेंसेक्स में देखने को मिली है, 950 से ज्यादा अंक ऊपर इस वक्त गया है, भारी उछाल ये देखने को मिल रहा है। और अब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो बेहद खुश हैं इस उछाल के साथ, क्योंकि हमने शुक्रवार को भी देखा था जब सेंसेक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, और आज सोमवार का दिन है, बाजार खुलते ही बड़ा उछाल, 950 से ऊपर अंक पर पहुंच गया है सेंसेक्स। शिल्पा शेट्टी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी ने ह्यूस्टन में पहली बार मंच साझा किया। ट्रंप ने भारत और अमेरिका दोनों देशों के झंडे लगा पोडियम इस्तेमाल किया। वो जो मुश्किलों का अंबार है वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। साथियों, भारत आज चुनौतियों को टाल नहीं रहा, हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। इस भर रही यकीनी तौर पर उसने सीएलयू का प्रॉफिट कमाया था, नहीं तो कुछ ही महीने में जो 7 करोड़ की ज़मीन है वो 58 करोड़ रुपए में नहीं बिक सकती है, तो उसका सरकार मुआयना कर रही है। भोपाल में पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप रैकेट का पर्दाफाश करते हुए तीन महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की शिकायत इंदौर में हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस रैकेट से जुड़े लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी, और इंदौर पुलिस की निशानदेही पर ही एटीएस और भोपाल पुलिस चार लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले आई, जिसमें तीन महिलाएं शामिल थी। पकड़ी गई इन महिलाओं पर कई नेताओं और अफसरों को हनी ट्रैप में फंसाने का आरोप है। मामले की जाँच कर रहे पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये महिलाएं बड़े बड़े पदों पर बैठे नेताओं और अफसरों को अपना शिकार बनाती थी। थाने लाने के बाद पुलिस इन महिलाओं से पूछताछ में जुट गई। हालांकि पुलिस इस हाई प्रोफाइल मामले में कुछ भी बोलने से बचती नजर आई। एक दूसरी एजेंसी का मैटर है, वो आके हमारे साथ जो है हमारे कोऑर्डिनेशन में, भोपाल पुलिस के कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ काम कर रही है। साथ ही पुलिस ने इस मामले में इंदौर से भी दो महिलाओं को गिरफ्तार करने का दावा किया। सौबात की एक बात है कि इन महिलाओं पर हनी ट्रैप में फंसाकर कई नेताओं और अफसरों को ब्लैकमेल करने और उन्हें धमकी देने के आरोप है। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस भी हरकत में आई और महिलाओं को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ में जुट गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 2.5 साल के दौरान राज्य में एक भी दंगा नहीं होने और बेहतर कानून व्यवस्था का दावा किया, जिस पर सियासी घमासान मच गया। योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 से खास बातचीत में ये बात कही और ये दावा किया कि पिछले 2.5 साल में यूपी की कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई। 2.5 वर्ष में प्रदेश के अंदर कोई दंगा न होना, 2.5 वर्ष में प्रदेश के अंदर फिरौती और अपहरण की कोई घटना न होना, 2.5 वर्ष के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के माध्यम से व्यापक निवेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधने में देर नहीं की, लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, खासतौर पर कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही दयनीय है। बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी उन्नाव रेप केस और चिन्मयानंद केस पर योगी आदित्यनाथ को घेरा। उन्नाव कांड को लेकर के और चिन्मयानंद कांड को लेकर के जिस तत्परता की अपेक्षा उत्तर प्रदेश के लॉ अवॉइडिंग सिटीजन कर रहे थे उसमें कहीं कमी दिखाई दी। आरजेडी ने भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ पर तीखे हमले किए। मैं समझता हूँ कि ना उनको कानून की बहुत बेहतर समझ है, ना व्यवस्था की, मठ की व्यवस्थाएं वो जरूर समझते होंगे। सौबात की एक बात यह कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2.5 साल में यूपी के कानून व्यवस्था के बेहतर होने का दावा किया। साथ ही उन्होंने राज्य में एक भी दंगा और अपहरण और मॉब लिंचिंग की घटना नहीं होने की भी बात कही, जिस पर विपक्ष ने विरोध जताते हुए योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। तुर्की के इस्तांबुल में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की वजह से जबरदस्त धमाका हो गया। फैक्ट्री में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद वहां रखा एक ड्रम तो धमाके से आसमान में उड़ गया। धमाका होते ही वहां अफरा तफरी मच गई, लोग जान बचाकर भागने लगे। इतनी देर में लोहे का ड्रम सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के ऊपर गिर गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद फैक्ट्री की आग पर काबू पा लिया गया। यूपी के गोरखपुर में पासपोर्ट बनवाने के लिए बिजली का बिल देना होगा। यूपी के गोरखपुर में 1 अक्टूबर से पासपोर्ट और जाति के सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लोगों को बिजली का बिल देना होगा, और जिन्होंने अपना बिजली का बकाया बिल नहीं भरा होगा उनका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। सरकार के लाश हो रहा है उसी एक पहल की हम लोग, ताकि कितने लोग जो लास्ट पेड बिल दिए उनको तुरंत हम लोग सेवा दे देते हैं।
बैंक धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी को लंदन की एक अदालत ने 17 अक्टूबर तक जेल भेज दिया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर 2 से 9 अक्टूबर तक गांधी सप्ताह मनाने का ऐलान किया। 2 अक्टूबर से 7 दिन का सप्ताह मनाया जाएगा। सरकार 150वीं जयंती को एक साल और मनाएगी। गुजरात में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का लिखा एक खत वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने महसाणा ट्रांसपोर्ट अधिकारी को 5,100 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूलने का टारगेट दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में घिरे पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम को अदालत ने 3 अक्टूबर तक फिर जेल भेज दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद से मुंबई के बीच बनने वाली बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए सरकार को जमीन अधिग्रहण की मंजूरी दे दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 22 सितंबर को ह्यूस्टन में होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के दौरान बड़ा ऐलान करने के संकेत दिए। केंद्र सरकार ने दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी को नोटिस भेजा और पैगंबर मोहम्मद साहब की पत्नी पर बन रही उनकी एक फिल्म पर जवाब मांगा। हिंदुओं की देवी देवताओं पर पिक्चरें बनी हैं, पर मुसलमानों की किसी भी इस्लामिक शख्सियत पर पिक्चर बनाने का किसी को कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि यहाँ मुल्लाओं का हुक्म चलता है। 60 से ज्यादा शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गानों और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्सों पर लिखी गई किताब रागगिरी को दिल्ली में लॉन्च किया गया। ये किताब वरिष्ठ पत्रकार शिवेंद्र कुमार सिंह और गिरिजेश कुमार ने लिखी है। रागगिरी एक किताब नहीं है, एक मुहिम है। क्या हम सुरीला भारत, श्रेष्ठ भारत जैसा कुछ एक शुरू कर सकते हैं? बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को टक्कर देने वाला तेजस पूरी तरह भारत में बनाया गया हल्का लड़ाकू विमान है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयर वाइस मार्शल एन तिवारी के साथ उड़ान भरी। इसके साथ ही राजनाथ सिंह तेजस में उड़ान भरने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री बन गए। तेजस लड़ाकू विमान में बैठे रक्षा मंत्री ने बेंगलुरु के एचएएल हवाई अड्डे पर खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इससे पहले वायुसेना के बड़े अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री फाइटर पायलट की ड्रेस में वहां पहुंचे और तेजस में सवार हुए। कुछ देर उड़ान भरने के बाद तेजस ने रनवे पर लैंड किया और राजनाथ सिंह ने मीडिया से अपना अनुभव साझा किया। फ्लाइंग वाज वेरी स्मूथ एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर मी एंड आई वाज एंजॉयिंग। इसी साल फरवरी में सेना प्रमुख बिपिन रावत ने भी तेजस में उड़ान भरी थी और उस दौरान देश में ही तैयार किए गए तेजस को औपचारिक तौर पर वायुसेना में शामिल किया गया था। पूरी तरह भारत में बना तेजस लड़ाकू विमान कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगा सकता है और दुश्मन के रडार को भी ये विमान आसानी से चकमा दे सकता है। हवा से हवा में और हवा से जमीन में मार करने की ताकत भी तेजस में है। इतना ही नहीं, तेजस के जरिए दुश्मन के ठिकानों पर लेजर गाइडेड बमों से भी हमला किया जा सकता है। सौ बात की एक बात यह कि राजनाथ सिंह तेजस में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बन गए और उन्होंने अपने अनुभव को शानदार बताया। तेजस लड़ाकू विमान को वायुसेना की नई चुनौतियों के हिसाब से तैयार किया गया। वायुसेना के बेड़े से MiG-21 के हटाए जाने के बाद इन विमानों की सख्त जरूरत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के हाउडी मोदी कार्यक्रम के बहाने अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री पर तंज कसा। पिछले कई दिनों से कांग्रेस आर्थिक मंदी के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है और इस बार राहुल गांधी ने 22 सितंबर को अमेरिका में होने वाले हाउडी मोदी कार्यक्रम के बहाने अर्थव्यवस्था का। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक रोडवेज बस की खाई में गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बताया गया कि तेज रफ्तार की वजह से बस का संतुलन बिगड़ गया और बस खाई में जा गिरी, जिससे बस के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में बस ड्राइवर समेत 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। रोडवेज बस नोएडा से बुलंदशहर जा रही थी। हादसे के वक्त बस में सिर्फ 4 लोग सवार थे। गनीमत रही कि इतने बड़े हादसे में किसी की जान नहीं गई। हादसे में घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। साथियों, भारत आज चुनौतियों को टाल नहीं रहा, हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। कि मध्य अमेरिका के देशों से हर साल बड़ी तादाद में लोग अवैध तौर पर मेक्सिको के जरिए अमेरिका में घुसते हैं, इसलिए ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में लोगों से सीमा पर दीवार बनाने का वादा किया था। हालांकि इसके लिए उन्हें विपक्ष का भारी विरोध झेलना पड़ा है, लेकिन वो अब भी दीवार बनाने पर अड़े हैं।
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना ने सख्त रुख दिखाते हुए सीट बंटवारे पर बीजेपी से 50-50 का फॉर्मूला लागू करने की मांग की। बीते रोज महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना के नेता दिवाकर राउते ने भी बराबर सीटें नहीं दिए जाने पर गठबंधन तोड़ने की धमकी दी थी, जिसके बाद शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने भी अमित शाह के पुराने बयान का हवाला देते हुए दिवाकर राउते की मांग को सही ठहराया। 50-50 का फार्मूला अमित शाह साहब ने उस वक्त घोषित किया था, दिवाकर राउते जी ने गलत क्या कहा है। बीजेपी ने उम्मीद जताई कि वो सीट बंटवारे पर फंस रहे पेच को आसानी से सुलझा लेगी। आप देखते रहिए, अभी मैदान एकदम पास है, थोड़े ही दिनों में आपको खबर मिलेगी। कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर शिवसेना की धमकी को खोखला करार देते हुए तीखा तंज किया। भारतीय जनता पार्टी के सामने बात करने की शिवसेना की 5 साल में कभी आवाज उन्होंने किया नहीं, आगे भी वो आवाज करेगी नहीं। सौबात की एक बात यह कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने बीजेपी से बराबर सीटों की मांग की और इशारों में गठबंधन तोड़ने की धमकी भी दे डाली। बीजेपी ने मामले को आसानी से सुलझाने का भरोसा जताया, लेकिन विरोधियों को बीजेपी शिवसेना गठबंधन पर हमले का मौका मिल गया। टेलीकॉम कंपनियों के कामकाज की निगरानी करने वाली संस्था TRAI ने 4G नेटवर्क से जुड़े नए आंकड़े जारी किए, जिनके मुताबिक जियो का 4G नेटवर्क बाकी सभी टेलीकॉम कंपनियों से बहुत बड़ा है। TRAI के आंकड़ों में 4G नेटवर्क के मामले में वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल की हालत काफी खराब दिखी। आंकड़ों के मुताबिक जियो के पास फिलहाल 7,86,000 ई नोड्स हैं, जबकि वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल के पास कुल मिलाकर 5,00,000 ई नोड्स ही हैं। ई नोड्स वो डिवाइस होता है जिसे 4G नेटवर्क के लिए मोबाइल टावर पर लगाया जाता है। ज्यादा ई नोड्स वाली कंपनी के 4G नेटवर्क को ज्यादा मजबूत माना जाता है, क्योंकि इससे डेटा डाउनलोड और अपलोड करने की स्पीड बढ़ जाती है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया और अपनी योजनाओं को सफल बताया। हालांकि विपक्ष का कहना है कि योगी सरकार 2.5 साल में 2.5 कोस भी नहीं चल सकी, जिस पर सरकार की तरफ से भी पलटवार किया गया। लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ ने सरकार के 2.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उनकी विफलता ही हमारी सफलता है और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि जनता ने इसीलिए उनको नकारा था। CM ने कहा कि सरकार ने 2.5 साल में 5 साल जितना किया, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी जोरदार हमला बोला। 100 दिन वहाँ के और 2.5 साल यहाँ के और 2.5 साल में 2.5 कोस ही चले हैं। दोनों सरकारों का मिला लें रफ्तार तो बैलगाड़ी से ज्यादा तेज नहीं चल पा रही है। कांग्रेस ने भी सरकार को निशाने पर लिया। पर जिस तरीके से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जा रही है, वही इनकी उपलब्धि है। सौबात की एक बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 2.5 साल पूरे कर लिए और सरकार के 2.5 साल पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष का आरोप है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। अब पूरी दिल्ली में बाइक एम्बुलेंस की सुविधा मिल सकेगी, इसका ऐलान दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया। सरकार की तरफ से पूर्वी दिल्ली में बाइक एम्बुलेंस सेवा को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया था, जिस पर अब सरकार ने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई ये योजना सफल रही है। सरकार के मुताबिक पूर्वी दिल्ली में बाइक एम्बुलेंस से हर महीने 600 से ज्यादा मरीजों को फायदा हो रहा है। जल्दी से फर्स्ट एड मिल जाए या जल्दी से पेशेंट को एक पैरामेडिक्स मिल जाए, तो उसके लिए हमने बाइक एम्बुलेंस लाई है, तुरंत 10 मिनट 15 मिनट में वहां पर पहुंच जाए। संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में एम्बुलेंस सेवा मुश्किल से ही मिल पाती है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बाइक एम्बुलेंस सेवा को अपनाने का फैसला किया था, ताकि मरीजों को वक्त पर अस्पताल लाया जा सके। जो ये बाइक एम्बुलेंस है, इसमें क्या क्या सामान और ये कितना इम्पोर्टेंट है? ये बाइक एम्बुलेंस है बेसिकली उन एरियाज के डिजाइन किए गए जहाँ पे बहुत कंजेस्टेड है या ट्रैफिकली बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। बाइक एम्बुलेंस बुलाना मोबाइल ऐप पर ओला और उबर की टैक्सी बुक करने जितना आसान है। हर बाइक एम्बुलेंस पर एक मोबाइल की सुविधा है, इस मोबाइल से ही पता लगता है कि किस इलाके में मरीज को एम्बुलेंस की जरूरत है। यही नहीं, तबीयत खराब लगने पर भी लोग बाइक एम्बुलेंस की मदद ले सकते हैं। शकरपुर में एक शख्स को जरूरत महसूस हुई और बाइक एम्बुलेंस उनकी मदद के लिए यहाँ पर पहुंचे, शुरुआती जांच है वो एक तरह से कर रहे हैं। केजरीवाल सरकार का कहना है कि पायलट प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के बाद अब वो दिल्ली में बाइक एम्बुलेंस सेवा का जाल बिछा देगी। फिलहाल पूर्वी दिल्ली में 16 बाइक एम्बुलेंस की मदद ली जा रही है, जिनकी संख्या भी जल्द बढ़ाई जा सकती है। सौबात की एक बात है कि पूर्वी दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई गई बाइक एम्बुलेंस सेवा के नतीजे अच्छे रहे और यही वजह है कि दिल्ली सरकार अब इस योजना को बड़े पैमाने पर लागू करने की तैयारी में जुट गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को फायदा हो सके। दिल्ली विधानसभा से अलका लांबा की सदस्यता रद्द कर दी गई। आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने पर दिल्ली विधानसभा से अलका लांबा की सदस्यता रद्द कर दी गई। CBI ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को तीसरी बार नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया।
केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 40,000 से ज्यादा सरपंचों और पंचायत सदस्यों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगी। बीएस धनोआ के रिटायर होने के बाद राकेश कुमार सिंह भदौरिया नए वायुसेना प्रमुख होंगे। 8 साल पहले जापान में आई सुनामी के बाद फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर में हुए हादसे के मामले में अदालत ने 3 आरोपियों को बरी कर दिया। यूपी के कुशीनगर में दिग्विजय सिंह के उस बयान के खिलाफ एक बीजेपी विधायक के बेटे ने केस दर्ज करवाया जिसमें दिग्विजय ने भगवा पहनने वालों पर विवादास्पद बयान दिया था। झारखंड पुलिस ने भीड़ की हिंसा से तबरेज की मौत के मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा फिर से जोड़ दी। फिर से मुजरिमों को दफा 302 लगवाई और उम्मीद करते हैं प्रशासन से जो भी मुजरिम है उसको फांसी के तख्ता तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। सीबीआई ने भुवनेश्वर में ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव को गिरफ्तार कर लिया। उन पर 1 करोड़ रुपए लेकर एक ऐसी चिटफंड कंपनी के प्रचार का आरोप था जिसके खिलाफ पहले ही धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज थे। एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेचने के मामले पर दिल्ली में मंत्रियों की एक अहम बैठक हुई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मंदी की खबरों को गलत बताया। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पहले दौर में मनिका बत्रा और जी साथियान समेत 10 खिलाड़ियों ने अपने अपने मुकाबलों में नमस्ते, आपके साथ मैं हूं अर्पित आर्य। ह्यूस्टन में 50,000 से ज्यादा भारतीयों की मौजूदगी और अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने बिना नाम लिए पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर हमला किया। आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर से 370 हटाए जाने से कुछ ऐसे लोग भी परेशान हैं जिनसे खुद अपना देश संभाला नहीं जाता है। भारत अपने यहां जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है। जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। इन लोगों ने भारत के प्रति नफरत को ही अपनी राजनीति का केंद्र बना दिया है। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। उनकी पहचान सिर्फ आप नहीं पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं। साथियों, अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। मैं यहां पर जोर देकर कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी मजबूती के साथ आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं। एक बार आतंक के खिलाफ लड़ने का राष्ट्रपति ट्रंप का जो मनोबल है, हम सब मिलकर के उनको भी स्टैंडिंग ओवेशन देंगे।
हाउडी मोदी कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे कड़े शब्दों में चेतावनी दी। ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद से लोगों को बचाने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका को अपनी सीमाओं की सुरक्षा का हक है। We stand proudly in defense of liberty, and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. Thank you. Both India and the United States also understand that to keep our community safe, we must protect our borders. पीएम मोदी ने ह्यूस्टन में न सिर्फ अमेरिकी भारतीयों को बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी एक तरह से संदेश दिया कि अब भारत में चुनौतियों से लड़ने की शक्ति है। पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में बताया कि भारत अब चुनौतियों से टकराने को ही अपना लक्ष्य बनाता है। वो जो मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। साथियों, भारत आज चुनौतियों को टालना टाल नहीं रहा, हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। भारत आज थोड़े बहुत इंक्रीमेंटल चेंज पर नहीं, समस्याओं के पूर्ण समाधान पर जोर दे रहा है। असंभव सी लगने वाली तमाम बातों को भारत आज संभव